दोस्तों, भारत की माया नगरी मुंबई को कौन नहीं जानता, पर इसके बारे में क्या आपने कुछ मजेदार बातें सुनी है? कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता। मुंबई को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी, माया नगरी, बॉम्बे, सपनों का शहर, हादसों का शहर, बम्बई और मुंबई, ये इसके कुछ खास नाम हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कुछ मजेदार बातें। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रहिए हर वीडियो से अपडेट। माया नगरी मुंबई में लगभग 5000 टिफिन वाले पूरी मुंबई में लगभग 2,00,000 टिफिन डेली सप्लाई करते हैं। इतने बड़े काम को ये बहुत ही आराम से कर लेते हैं। ये काम मुंबई में 1890 से चला आ रहा है। इस हिसाब से यह लगभग 128 साल पुराना बिजनेस है। इनके इस काम पर MBA स्टूडेंट की एक टीम ने स्टडी की ताकि इनके काम को बेहतर ढंग से समझ सकें, क्योंकि बिना किसी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के इतना बड़ा व्यापार चला पाना कोई आसान खेल नहीं है। वैसे इनके टिफिन का खाना भी काफी टेस्टी होता है। मुंबई में इन्हें डब्बे वाला कहकर बुलाया जाता है। इनकी इस प्लानिंग के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी हैं। भारत की पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को 14 रेल डिब्बों और 400 पैसेंजर के साथ मुंबई बोरी बुंदेर से चलकर थाने तक चली थी। बोरी बुंदेर को अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है और आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है। यहां से रोजाना लगभग 1000 ट्रेन और 2,000,000 के लगभग पैसेंजर सफर करते हैं। मुंबई में ही भारतीय ट्रेन का पहला रेलवे ब्रिज बनाया गया था। 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने मुंबई के 7 नजदीकी द्वीपों को मिलाकर इसका नाम बॉम्बे रखा था और यह नाम 1995 तक आधिकारिक नाम रहा। इसके बाद इसका नाम मुंबई किया गया था और सिर्फ इसलिए कि इसका नाम विदेशियों ने रखा था। 1661 में इसकी आबादी मात्र 10,000 थी, जो 1675 में बढ़कर 60,000 हो गई और आज इस शहर की आबादी लगभग 1,30,00,000 है और यह है आज विश्व का 8वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इस शहर को 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड द्वारा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सन 1668 में आज का मुंबई शहर ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मात्र 10 पाउंड प्रतिवर्ष की दर पर पट्टे पर दे दिया गया था। सपनों की नगरी मुंबई को मुंबई नाम मुंबा देवी के नाम से मिला है। मुंबई का नाम दो नामों को जोड़कर रखा गया है, वो नाम है मुंबा यानी देवी दुर्गा का रूप और आई यानी माँ। मुंबई देवी का यह मंदिर मुंबई के बोरी बुंदे इलाके में स्थित है। पूरे भारत में रोजाना करीब 2 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, पर इनमें से 63,00,000 लोग केवल मुंबई में ही ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं, जो कि इसराइल की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। मुंबई में महिलाओं के लिए लेडीज एक्सप्रेस ट्रेन भी चलाई जाती हैं। इसके अलावा रोजाना मुंबई की बसों में लगभग 45,00,000 लोग सफर कर रहे होते हैं। एक तरफ सन 2008 में मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने मुंबई को टॉप 10 सिटीज फॉर बिलियनर्स की लिस्ट में जगह दी थी, वहीं रोज मुंबई शहर में लगभग 7800 मीट्रिक टन से भी ज्यादा कूड़ा इकट्ठा होता है। और तो और, इतनी तरक्की के बावजूद भी मुंबई की कुल जनसंख्या का लगभग 60% लोग गंदी बस्तियों और झुग्गियों में रहने को मजबूर हैं। मुंबई में जगह की इतनी किल्लत है कि यहाँ पर 1.1 स्क्वायर मीटर में एक व्यक्ति रहता है। मुंबई में स्थित ताज होटल भारत का सबसे पहला 5-स्टार होटल है। तो दोस्तों, ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।